मैंने आपसे कहा था ना, बारिश का तांडव, ये बड़े बड़े घर ढह जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं, ये बड़े बड़े घर ताश के पत्तों की तरह बिखर जा रहे हैं, 275 लोगों की जान चली जा रही। तो चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं और बारिश का तांडव आपको दिखा देते हैं। बारिश ने देश को बर्बाद कर दिया है, मार दे रही है ये बारिश लोगों को, हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं सिर्फ जुलाई में। आज अगस्त का पहला दिन है, सावन का महीना चल रहा है। इस त्रासदी में जितने लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं, और अब यही प्रार्थना करूंगा कि रुक जाए ये त्रासदी, रुक जाए ये त्रासदी, बारिश का जो तांडव है वो ठहर जाए। पिछले एक हफ्ते में तो ऐसा लग रहा है कि सुबह उठो और फिर देश के किसी कोने से तबाही की तस्वीर आने लगती है। पिछले एक महीने से कह रहा हूं बारिश की हर तस्वीर दिखाऊंगा। जब से सीधे मुद्दे की बात की शुरुआत हुई है, मैंने आपसे वादा किया है सावधान करने का, मैंने आपसे वादा किया है आपकी चिंता करने का। आज ही बताइए, वायनाड की तबाही तो देश देख ही रहा है, मरने वालों की संख्या 250 के पार पहुंच गई है, 250 के पार। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हालात का जायजा लेने आज वायनाड पहुंचे। राहुल प्रियंका पहले प्रभावित इलाके का दौरा किए, फिर रिलीफ कैंप में जाकर लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी वायनाड से सांसद चुने गए थे। इस्तीफे के बाद बहन प्रियंका गांधी को उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया है। इतनी बड़ी त्रासदी का हाल जानने राहुल और प्रियंका खुद ग्राउंड पर पहुंचे थे, जाना भी चाहिए, बहुत बड़ी त्रासदी है। वायनाड त्रासदी में मरने वालों की संख्या 250 पार पहुंच गई है। रेस्क्यू में लगी टीम लगातार मलबे में दबे लोगों को निकाल रही है। रस्सी के सहारे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये वीडियो देखिए, मेरे बगल में चल रहा है, ये वीडियो देखिए। अभी भी जिंदगी की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी समेत तमाम टीमें लगी हुई हैं। लगातार लोगों को बचाकर टीमें रिलीफ कैंप तक पहुंचा रही हैं कि किसी तरह वो सुरक्षित वहां रह पाएं। वायनाड की ये तस्वीर देखिए, देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। नीलांबूर से डेड बॉडी और घायलों को लेकर एम्बुलेंस वाला वीडियो देखिए, ये एम्बुलेंस कैसे कतार में निकल रही है, देखिए थोड़ी देर सुनिए इस आवाज को, मैं चुप हो जाता हूं, सुनाइए आवाज जरा। इसमें घायल नहीं, जिनकी मौत हो गई है वो जा रहे हैं। कितनी लंबी लाइन है एम्बुलेंस की आपने देखी, इसलिए मैंने कहा मैं रुक जाता हूं, आवाज सुनिए। ये त्रासदी है, बहुत बड़ी त्रासदी है। 4 घंटे में 3 प्रलय और 4 गांव पूरी तरह बह गए। पश्चिमी घाट की साइलेंट वैली को कुदरत ने अशांत कर दिया है। केरल के बाद अब आपको उत्तराखंड और हिमाचल की तस्वीर दिखा देता हूं, बहुत भयावह है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही मच गई है, तबाही। पहाड़ों पर आई तबाही ने कई आशियाने तबाह कर दिए गए हैं। केदारनाथ यात्री जहां तहां फंसे हुए हैं। हिमाचल में अलग अलग जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है, लोग परेशान हैं। कुल्लू, रामपुर और मंडी में बादल फटने की घटना के बाद इलाके में लोग बेहाल हैं, लापता हैं। मेरे बगल में चल रही तस्वीरों को देखिए, और इसके अलावा क्या क्या हो रहा है ये सब कुछ जानना है, और बहुत सारी तस्वीर अगर बहुत जल्दी देखना है तो ये रिपोर्ट देख लीजिए, दिखाई जा रही है रिपोर्ट। पहले भी 8-9 गाड़ियां बह चुकी हैं, देख सकते हैं ऐसी तस्वीर आई है, ऐसी तस्वीर आई है कि देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। पहले वायनाड, अब उत्तराखंड और हिमाचल, पहाड़ों पर मौसम का तांडव चल रहा है। आपको विस्तार से बता देते हैं, मेरे अगल बगल देख लीजिए। हिमाचल में आज सुबह करीब 4:40 पर बादल फटने से तबाही मच गई, देख लीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के किसी चैनल में आपको खबरों का विश्लेषण ग्राफिक्स के जरिए इस तरह से नहीं दिखाई देगा, बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। ये सीधे मुद्दे की बात की टीम है जो जी जान लगाकर आपको सरल भाषा में समझा सके, इसलिए इतनी मेहनत करती है कि आप हर कुछ समझ पाएं, और इसलिए मुझे इस तरह से घाटी में और पहाड़ों के बीच में खड़ा कर देते हैं। शिमला के रामपुर में तबाही, पहाड़ से सैलाब बनकर बहने लगी। समेज के हाइड्रो प्रोजेक्ट के पास ही हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों के मौत की खबर है। वहीं मंडी में भी बादल फटने से तबाही मची जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल में मौसम ने एक दिन में 4 लोगों को मार डाला, 4 लोगों को, और 50 से ज्यादा लोग लापता हैं।
जिन्हें ढूंढने की कोशिश जारी है। अब आपको हिमाचल से आई एक तस्वीर दिखाते हैं, चलिए देखिए कैसे चंद सेकंड में एक चमचमाती इमारत, दिखाइए जरा आज केवल तस्वीर, ये देखिए, देखते जाइए एक चमचमाती इमारत नदी में बह गई। पूरा वीडियो दिखा दीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे, दिखाइए। देखा आपने एक बार फुल फ्रेम करिए, दिखाइए जरा ये वीडियो, फिर से दिखाइए। आश्चर्य हो रहा है ना आपको, आश्चर्य हो रहा है, और आप बार बार ये सोच रहे हैं, अगर आप सीधे मुद्दे की बात देख रहे हैं तो आप बार बार ये सोच रहे हैं ये कैसे हुआ होगा। देखिए एक बार फिर सोचिए, एक बार फिर दिखाइए वीडियो। केवल पांच सेकंड में ये बिल्डिंग भरभरा के गिर गई। वीडियो हिमाचल के कुल्लू का है, भारी बारिश के बाद पार्वती नदी में उफान की वजह से ये बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई। कितना नुकसान हुआ होगा, इमारत के नीचे दुकानें हैं, इतनी बड़ी इमारत कैसे देखते ही देखते गिर गई, आप देख रहे हैं। सब्जी मंडी की ये इमारत है जो नदी के तेज बहाव में बह गई है। इस बार मौसम ने हिमाचल को बहुत बड़ा जख्म दिया है। कुल्लू शिमला के रामपुर मंडी में तबाही की ये तस्वीरें देखकर पूरा देश परेशान है। जो लापता हैं उनके तलाश में टीम लगी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की है, हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। हिमाचल के बाद अब आपको उत्तराखंड में मची तबाही की तस्वीरें दिखा देता हूं। उत्तराखंड में बादल फटने से तबाही मची है। केदारनाथ घाटी में भारी बारिश से सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच कई जगह सड़क का नामो निशान मिट गया है। पैदल मार्ग भी कई जगह ध्वस्त हो गए हैं। और एक बार फिर से मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देता हूं और दिखा देता हूं। उत्तराखंड के टिहरी और केदारनाथ घाटी में बादल फटने से भयंकर तबाही मची है, भयंकर तबाही। उत्तराखंड में मौसम के प्रहार में 5 लोगों की मौत हो गई है। गौरीकुंड में कई रास्ते बह गए हैं। चार धाम यात्रा पर गए 200 से ज्यादा यात्री पुल बह जाने से फंसे हुए हैं, और आप ही जाते हैं वहां, इसलिए मैं इस खबर को दिखा रहा हूं। पूरे देश भर से सीधे मुद्दे की बात टीम खोज खोज कर ढूंढ ढूंढ के लाती है कि कौन सी खबर है जो आपसे जुड़ी हुई है। आप ही तो जाते हैं वहां, इसलिए आपको सावधान कर रहा हूं, और इसलिए पहाड़ को ऐसे दिखाकर ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अभी नहीं जाना है। पुल बह जाने से 200 लोग से ज्यादा फंसे हैं। नदियों में उफान से सड़कें गायब हो गई हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, ये वीडियो देखिए। उत्तराखंड पुलिस ने ये वीडियो जारी किया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर सोनप्रयाग से भीमबली के बीच पैदल मार्ग में, पैदल रास्ते में कितनी बड़ी संख्या में यात्री फंसे हुए हैं, देखिए इन तस्वीरों में। फंसे यात्रियों को SDRF, NDRF और स्थानीय पुलिस वैकल्पिक रास्ता बनाकर सुरक्षित बाहर निकाल रही है। आपको पता है केदारनाथ में इस बार करीब करीब उसी जगह बादल फटा है जहां 2013 में भयंकर त्रासदी हुई थी। केदारनाथ में बादल फटने से रामबाड़ा में मंदाकिनी नदी पर बने दो पुल बह गए। ये वही रामबाड़ा है जिसका 2013 की त्रासदी में नक्शे में नामो निशान मिट गया था। समुद्र से करीब 9000 फीट ऊपर मौजूद रामबाड़ा कस्बा केदारनाथ आपदा में पूरी तरह से गायब हो गया था। यहां पर 250 से ज्यादा दुकानें, इमारतें, घर, लोग और जानवर सब बह गए। अब रामबाड़ा सिर्फ नाम का बचा है, और आज एक बार फिर वहां बादल फटा और जो थोड़ा बहुत नाम और निशान था, या यूं कहें बन रहा था, वो भी बह गया। उत्तराखंड के टिहरी जिले में आई तबाही के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हालात का जायजा लेने पहुंचे, लोगों से मिले। सीएम क्या कह रहे हैं सुनना जरूरी है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी, सुनाइए जरा।
जान माल की क्षति हुई है, 3 लोगों का। यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए। मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं, उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जान माल की सुरक्षा की जाए। जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं, उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो है कोई परेशानी न हो, दवाइयां हैं, खाद्य सामग्री है। टिहरी के बाद अब आपको हरिद्वार की एक तस्वीर दिखाते हैं। देखिए कैसे पानी के तेज बहाव में कांवड़ियों की ट्रक बह गई। देखिए मेरे बगल में तस्वीर चल रही है। कुछ दिनों पहले भी इसी नदी में बाढ़ से कई गाड़ियां बह गई थी, याद है आपको, कैसे कार बह रही थी। और अब इतना पानी, भारी भरकम ट्रक देखिए कैसे तेज बहाव में बह रहा है। पहाड़ों के बाद अब बात मैदानी इलाकों में भारी बारिश से मची तबाही और बर्बादी की भी कर लेते हैं। संसद भी बारिश की मार झेल रहा है। तस्वीर देख लीजिए, ये नीले कलर का जो टब रखा है, देख लीजिए संसद के बाहर कैसे सड़क पर पानी भर गया है। और नई संसद के अंदर की तस्वीर भी देख लीजिए, सांसद महोदय ने ही बनाया है। संसद भवन के गुंबद से पानी टपक रहा है, टप टप, बाल्टी रखी हुई है। सड़क, हाईवे, स्कूल की बिल्डिंग बनाने में भ्रष्टाचार की खबर तो खूब दिखाई जाती है। यहाँ तो संसद भवन बनाने में ही भ्रष्टाचार हो गया, जिसकी पोल बारिश ने खोल दिया। हिम्मत देखिए भ्रष्टाचारियों की, गजब आल है भाई। इस छत से पानी नहीं, सिस्टम लीक हो रहा है। सिस्टम, इतने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ बैठते हैं, वो भी पानी, वहाँ भी पानी बह रहा है। भ्रष्टाचारियों की मोटी चमड़ी होती है, सिस्टम है, सोता रहता है। और जब इनकी लापरवाही से कोई हादसा हो जाए, जान चली जाए, तो ये जागते हैं, या यूं कहें कि जागने की एक्टिंग करते हैं। समझ गए आप। जयपुर में भी दिखाइए तस्वीर, ये भी जयपुर में भी दिल्ली जैसा हादसा हुआ है। बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई है, बहुत दुखद है। विश्वकर्मा इलाके में सड़क पर जमा बारिश के पानी के दबाव के कारण घर की एक दीवार गिर गई और पानी बेसमेंट में घुस गया, जिसमें 3 लोग फंस गए और डूबने से मौत हो गई। हरियाणा के गुरुग्राम के इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास करंट लगने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दिल्ली के गाजीपुर इलाके में ओवरफ्लो हो रहे नाले में डूबने से माँ बेटे की मौत हो गई। चौथी तस्वीर नवाबों के शहर लखनऊ की है, जहां तो हद हो गई। बारिश के बाद सड़क पर पानी भरा, पानी भरने के बाद मनचलों ने ऐसी हुड़दंग मचाई कि आसपास से गुजरने वाली महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने लगे। एक महिला को तो बाइक से गिरा ही दिया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने कार्रवाई की और अब एक एक करके ये जेल के सलाखों के पीछे पहुंचने लगे। ये देश भर से आई बाढ़ बारिश की ऐसी तस्वीर है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, इसलिए आपको दिखाना जरूरी था।